हेलो नमस्कार, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस, एंड आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और ये अपडेट, एयर इंडिया ने पंतनगर से देहरादून और दिल्ली फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। खबर आ रही है कि जल्द पंतनगर में एयर इंडिया अपनी ऑफिस भी बंद करने वाली है और कर्मचारियों को कहीं और अटैच करने वाली है। हालांकि इस बारे में अभी तक एयर इंडिया की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि इंडिगो और स्पाइस जेट से कड़ी टक्कर मिलने के कारण कंपनी ने यह कदम उठाया है। और गाइस, एयर इंडिया ने 16 फरवरी 2021 को ATR 70 का दिल्ली से देहरादून और देहरादून से पंतनगर के लिए का संचालन शुरू किया था। यह नियमित विमान सेवा थी और देहरादून होते हुए पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जाती थी। शुरुआत में कई दिनों तक कोहरे के कारण पंतनगर से देहरादून और वहां से दिल्ली लिए संचालित होने वाली सेवा कई दिनों तक लगातार स्थगित रही, जिस कारण कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। 20 जनवरी से 28 फरवरी तक पंतनगर से देहरादून विमान सेवा को हफ्ते में सिर्फ 4 दिनों के लिए संचालित किया गया। अब एक बार फिर से इस सेवा को बंद कर दिया गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक राजीव पुनेटा का कहना है कि पंतनगर से देहरादून की एयर इंडिया की विमान सेवा 15 अप्रैल से अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की जानकारी मिली है। पंतनगर से दिल्ली की एयर इंडिया की फ़्लाइट पहले ही बंद हो चुकी है। स्पाइस जेट और इंडिगो की फ़्लाइट का यहां से पहले से ही संचालन हो रहा है। फ़्लाइट क्यों बंद की गई, इसकी जानकारी एयर इंडिया जल्द ही देने वाली है। तो गाइज, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।